योग पैटर्न कोटी डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। आप ये जो पिक देख रहे हैं ये पिक हमने फेसबुक से ली है, तो आज के लिए काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहें। इस कुर्ते को बनाने के लिए हमने 2.25 मीटर रिवन फैब्रिक लिया है। ये 2 पीस है और 4 फोल्ड कपड़ा है। फोल्डेड साइड मेरी अपनी साइड है, तो एक फ्रंट है और एक बैक। तो फ्रंट पैनल को हम साइड करेंगे और बैक पैनल के लिए कपड़े को अच्छी तरह सेट करेंगे और इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से कट करके अलग कर देंगे। तो ये रहा 18 इंच इसकी चौड़ाई। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग करेंगे। तो जितना इंच कपड़ा हम कट करेंगे, मतलब 10 इंच, तो 10 इंच उतना ही हम फ्रंट में एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये हमारा नीचे वाला बैक पैनल है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पैनल को सेट करेंगे। तो किनारे के साइड से कपड़े को मिला लेंगे और अपनी साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहा उसको इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल बैक पैनल के बराबर में सेट कर लेना है। अब फ्रंट पैनल में 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ यहाँ से, तो मतलब 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो 7 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और 3 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे, 1/2 इंच स्लोप करेंगे और 7 इंच आर्म होल लेंथ की मेजरमेंट करेंगे और 10.5 इंच हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है और 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। और यहाँ से 7 इंच पे वेस्ट की लेंथ की मेजरमेंट करेंगे और 9.5 इंच वेस्ट की विड्थ रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए। अब हिप के लिए हम कोई भी मेजरमेंट नहीं करेंगे और इस तरह की स्केल से हम क्रॉस लाइन बनाएंगे, ए लाइन शेप करेंगे और यहाँ से 3 इंच मार्क करेंगे और राउंड शेप करेंगे यहाँ से और आर्म होल लेंथ की भी मार्किंग कर लेंगे साथ साथ। अब हम अपनी ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग के लिए हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नीचे से 3 इंच राउंड शेप कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब ये ऊपर वाला हमारा फ्रंट पैनल है और नीचे वाला बैक पैनल है। तो बैक पैनल में नेक की मेजरमेंट करेंगे, 3 इंच डीप करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पैनल को हटाएंगे और फ्रंट पैनल को अच्छी तरह सेट करेंगे और फ्रंट हमारा ये जो आर्म होल है उसे 1/2 इंच डीप कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पैनल को पहले हटा देंगे और ये रहा हमारा फ्रंट पैनल। तो फ्रंट पैनल को हमें ओपन कर लेना है। अब ये जो हमने फोल्ड किया था उसे हमें थोड़ा सा दबा के एक क्रिच बना लेना है और हमने 5 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा तो 5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेंगे और फिर ऊपर से हमने जो कट का निशान लगाया था उस कट से हम इस तरह से एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो 5-5 इंच पे हम एक सीधी लाइन कर लेंगे और अब हम इस तरह का एक पेस्टिंग पेपर लेंगे। इसकी लेंथ 14 से 15 इंच होगी और इसकी विड्थ है 10 से 11 इंच इसकी विड्थ है और 15 इंच इसकी लेंथ है। तो अब इसी पेस्टिंग पेपर पे हम योग की कटिंग करेंगे और इसी में नेक की मेजरमेंट भी कर लेंगे। तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और 5 इंच नेक की डीप रखेंगे और राउंड शेप करेंगे और यहाँ से 2 से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हल्की सी लीफ की शक्ल में क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो अब हमारी ये नेक की मेजरमेंट हो गई है। अब यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हल्की सी क्रॉस लाइन बनाएंगे। अब 14 इंच हमें ये रेडी चाहिए तो 14.5 इंच पे हमें मार्क करना है। अब हम अपने योग की कटिंग कर लेंगे। और अब हमने जो पहले से मार्किंग करी थी उसी मार्किंग के पास से इसको रखेंगे और ऊपर से क्रॉस कटिंग करेंगे और बिल्कुल इसके साइड से सीधी मार्क करेंगे और यहाँ से भी इसके बराबर में बिल्कुल मार्क करेंगे। अब हम इसको हटाएंगे और फिर ये जो हमारी नीचे वाली सीधी लाइन है इससे पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने इस वाली लाइन को भी हम हाईलाइट करेंगे, डार्क कर लेंगे
और इस मार्क के पास से आधा इंच एक्स्ट्रा ले करके ही हम यहाँ से कटिंग करेंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है स्टिचिंग के लिए। अब कॉर्नर पे हमें एक छोटा कट भी लगा लेना है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। और अब इस पेस्टिंग पेपर को हमें कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। तो हमें इस तरह का दो कपड़ा रखना है, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर को कपड़े पे चिपका लेंगे और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब एक कपड़ा हमने इसके नीचे लगा लिया है। अब ये हमारा टू पीस कपड़ा है। टू पीस कपड़े को हम इस तरह से रख करके नेक की स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अंदर वाला जो हमारा पोर्शन लीफ वाला है उसे भी कट करेंगे और बहुत ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट करेंगे। और यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कॉर्नर वाला जो पोर्शन है उसे सिलाई छोड़ के कट कर लेना है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से इसे आयरन से सेट कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब नेक के अंदर वाली साइड ये पतली वाली लेस हम अटैच करेंगे। तो ये लेस बहुत ध्यान से अटैच करना है क्योंकि ये बहुत पतली है तो अटैच करने में इसे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब नेक में लेस अटैच कर लेने के बाद हम साइड से स्टिच करके दोनों कपड़े को बंद कर लेंगे। लेकिन हमारे जो पेस्टिंग पेपर है बिल्कुल उसके किनारे से ही हमें ये स्टिचिंग करना है। तो हम हाथ से महसूस करके पेस्टिंग पेपर के किनारे पर से ये स्टिचिंग करेंगे क्योंकि हमने जो मेज़रमेंट करी थी तो वो हमारी पेस्टिंग पेपर के पास से ही मेज़रमेंट थी। तो ये लेस जो है जो हमने स्टिचिंग करी है उसी स्टिचिंग के ऊपर हम ये लेस को अटैच करेंगे। तो सीधी वाली साइड से ही इस लेस को अटैच करना है और हमारी जो स्टिचिंग है उसी स्टिचिंग के ऊपर ही ये लेस को अटैच करना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसे आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम इसे अपने फ्रॉक में अटैच करेंगे। और अब हमें इसी योग के अकॉर्डिंग ही प्लीटें एडजस्ट करके लगाना है। तो हम एक बार इसकी मेज़रमेंट कर लेंगे। तो 8.5 इंच पे हमें प्लीटों को बना करके एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट बनाएंगे। अब योक को यहाँ पर से रख कर एक बार मेज़र कर लेंगे कि ये बराबर हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल बराबर हमारी प्लेटें बनके रेडी हुई हैं। अब हमें दोनों साइड से कॉर्नर से रख के एक बार लंबाई में भी मेज़र कर लेना है। तो
जो हमने मार्क किया था उसी के पास से हम अपने योक को रखेंगे और ऊपर तक इस तरह से एक बार चेक कर लेंगे तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ऊपर से अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले हमने मार्किंग छोड़ी थी सेम उसी मार्किंग के पास से हमें अपने योक को अटैच करना है। अब कॉर्नर के पास से आगे हम कपड़े को घुमा देंगे और फिर नीचे वाली साइड भी इसी तरह स्टिच करेंगे और जो हमारी मार्किंग थी उसी मार्किंग के पास ऊपर से ही हमें ये स्टिचिंग करना है। अब हम दूसरे कॉर्नर तक आ गए हैं। अब इस कॉर्नर से हमें ऊपर तक सिलाई करके अपने योक को कंप्लीट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी योक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारा योक लग के कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया है और ये रहा हमारा फ्रंट पैनल। अब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। और बैक पैनल के नेक में हमने पहले से ही पट्टी लगा के रेडी कर ली थी। तो अब दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे और अब इसको ओपन करेंगे और बैक नेक की जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमारे पूरे नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों साइड को बंद कर लेंगे। अब हमारे कुर्ते के दोनों साइड बंद हो चुकी है और अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग भी बाकी है। तो हम पहले नीचे की किनारे को एक एक इंच करके फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे। तो स्लीव्स में हमने इस तरह से कनेक्टर लेस को अटैच कर लिया है। अब इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं और 7.5 इंच भी इसकी विड्थ रखते हुए 3 इंच यहाँ पर से डीप रखेंगे और राउंड शेप कर लेंगे और आप स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। और अब दोनों स्लीव्स को ओपन करेंगे और इस तरह से सेट करेंगे और फ्रंट में 1/2 इंच डीप कर लेंगे और यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे। दोनों स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर लेंगे। अब हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आज के लिए काफ़ी ट्रेंड में चल रही है ये योग कुर्ती डिज़ाइन, काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कुर्ती डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।